दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे OnePlus Nord N20s स्मार्टफोन को Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के अंदर हमें 6.56 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के हिसाब से चाहिए ना, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि फुल HD प्लस और 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, अच्छी बात है। और जरा OnePlus की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले, वो भी सिर्फ 60 हर्ट्ज का एक बेकार सा रिफ्रेश रेट। यार जमा ही ना बेकार डिस्प्ले दिया OnePlus ने, ब्रांड वैल्यू को देखते हुए तो यार मजाक बना दिया उन्होंने फोन का। और अगर दोस्तों मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो OnePlus के अंदर जो ऑक्सीजन OS हमें दिया गया ना भाई, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में मजा आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि OnePlus के अंदर हमें MediaTek Helio G35 4G चिपसेट दिया गया जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यार काफी पुराना और एकदम बेकार चिपसेट है ये जो OnePlus ने यूज किया है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों आपको बता दूं कि डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों हिसाब से ना, यहां पर जो Realme के अंदर हमें चिपसेट दिया गया ना Snapdragon 695, एकदम बढ़िया चिपसेट है यार, मजेदार से आपको गेमिंग वगैरह करवा देगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर एंटीडू स्कोर की, तो OnePlus फोन का आता है सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 के करीब। यार बेकार एंटीडू स्कोर है। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का आता है 4,05,000 के करीब। यानी कि दोस्तों एंटीडू स्कोर के मामले में भी यहां पर Realme का फोन ही बेस्ट है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो OnePlus के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Realme के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे OnePlus की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का। बस दोस्तों यही था इसका डेप्थ कैमरा, कोई अल्ट्रा वाइड नहीं, कोई मैक्रो नहीं, कुछ नहीं दिया, मजाक बना रखे उन्होंने यार। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों मेन कैमरा तो दोनों स्मार्टफोन्स का बढ़िया है, लेकिन यार OnePlus ने अल्ट्रा वाइड ना देखे ना यार मजाक बनवा दिया, क्योंकि यार Realme के साथ हमें अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, अच्छी बात है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां सेल्फी लवर्स की, तो OnePlus के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर Realme का फोन ही विनर है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कि भाई एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में। साथ ही दोस्तों फास्ट चार्जिंग के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो यहां पर OnePlus का फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है जो कि 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 5G बैंड से यार अगर यहाँ पर 7 या 8 होते ना, तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि सारे कवर अप हो जाते उस तरह तो। और दोस्तों 3.5mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीकर की, तो OnePlus का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि OnePlus फोन के 4+64GB वेरिएंट की कीमत है 15,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 18,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपके है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, OnePlus को या Realme को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ना 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6+128 का वेरिएंट भी तो आपको मिल रहा है, आपको Realme की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। क्योंकि चाहे आप डिस्प्ले लगा लो, चिपसेट, फ्रंट कैमरा सेटअप, बैक कैमरा सेटअप, सारे ही मामले
प्रॉब्लम ना, यहाँ पर रियलमी का फोन ही एकदम बढ़िया है। वन प्लस ने तो बस ब्रांड वैल्यू के चलते कुछ भी बना दिया, इन्होंने तो मजाक कर दिया यार फोन के साथ में। तो दोस्तों आप आराम से रियलमी का फोन ही बाय करो भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।